कोई भेद ही नहीं। फिर कोई कहे कि स्त्रियों को मान दें, क्यों? एक भेद भगवान ने दिया, सिर्फ एक, बाकी सब कुछ समान है। शरीर की सारी कर्मेंद्रियां, जननेन्द्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, सब कुछ समान है, एक भेद है, स्त्रियों को गर्भाशय दिया भगवान ने और पुरुष को नहीं दिया। यही एक भेद इनको सम्मानित, इनको पूज, इनको मान्य बनाता है, क्योंकि वो स्थान सृजन का स्थान है। परमात्मा ने गर्भाशय देके माताओं को इसलिए मान्यता दी कि ये सृजन करेंगी और आपके अंश, आपके वंश को वो अपनी कोख में रख के चलती हो। अरे आप सफर करने जाते हैं, एक कुली आपका जरा सा सामान उठाए, आप धन देने को तैयार हो जाते हैं। एक स्त्री आपके वंश, अंश और आपकी परंपरा को अपने गर्भाशय में, अपने गर्भ में रख के चलती है और आप इतना मान नहीं दे सकते हैं, तो फिर किस बात की समानता की बात कर रहे हैं? इस मान को, इस सम्मान को समझना पड़ेगा। और शंकर ने स्थापित किया था, कभी शिव पुराण पढ़िएगा, स्त्री और पुरुष के भेद को हमारे परिवारों से मिटाना ही पड़ेगा। इस भेद के कारण भी परिवार टूट गए, मैं बड़ा तू छोटी, और देखते देखते घर चले गए। तो परिवार में समानता हो, प्रेम की भाषा हो सज्जनों देवियों, इसको बचा के रखिएगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, हमारे यहाँ प्रेम की भाषा बोली जाए। आप जानते हैं लोग हमसे पूछते हैं प्रेम की भाषा कैसे बोले, इसका कोई फार्मूला है? बोलने जाओ तो निकलती नहीं है, कुछ लोगों को देख के तो एकदम ही बोलती बंद हो जाती है। और घर परिवार में तो प्रेम की भाषा बोलते ही नहीं बनती लोगों, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रेम की भाषा बोलने के लिए यदि आप अभ्यास करना चाहें तो एक ही अभ्यास है, सुबह हो के शाम हो, अपनों से मिले के गैरों से मिले, घर में हो के बाहर हो, जरा मुस्कुराइए। बस आप मुस्कुराना सीख गए, आप प्रेम से बोलना सीख जाएंगे। ताली बजा रहे हैं, मुस्कुरा भी नहीं रहे। बहुत सारे लोगों को मुस्कुराने में तकलीफ होती है, हम हमेशा यही कहते हैं मुस्कुरा मुस्कुरा, पर नहीं मुस्कुरा। अच्छा, हमारी कथाओं में हम लोगों से पूछते भी हैं कि भाई आप मुस्कुराते नहीं हो कथा में, तो लोग हमसे बोलते हैं देखो पंडित जी इससे हो जाती झंझट। तो हम कथा में बोलते हैं ना मुस्कुरा मुस्कुरा, तो हम लोग मैं कई बार देखता हूं भाई साहब लोग नहीं मुस्कुराते, या मुस्कुराते हैं तो घरवाली की ओर देखते हैं और फिर मुस्कुराते। तो एक बार मैंने एक भाई साहब से पूछा कि आप ये देख देख क्यों क्यों मुस्कुराते हो, तो उन्होंने बोला इसी में झंझट हो गई, क्योंकि जब हम घर जाते हैं तो घर जाते ही पंगा हो जाता और घरवाली बोलती क्यों कथा में तो बड़े मुस्कुरा रहे थे, अब क्या हो गया घर आके। तो आदमी हमारे प्रवचन कथाओं में मुस्कुराने में डायरेक्ट डरता, और इसीलिए तो डरता है कि आदमी घर में नहीं मुस्कुराता। घर से काम धंधे पे निकलेगा तो जितने मिलेंगे सबको देख के मुस्कुराता, क्या मुस्कुराते हैं तो? और जैसे ही शाम को घर आएगा तो ऐसा मुंह चढ़ा के अंदर आता है जैसे 100 जूते खाए और अभी एंटर हुआ। घर में तो एकदम सीरियस, घर में कोई नहीं मुस्कुराता और बाहर खूब मुस्कुराता। चलो आपको मैंने कभी नहीं सुनाई हो तो सुन लीजिए, एक सत्य घटना। एक पति पत्नी से हमारा मिलना जुलना था, एक बार उनने घर बुलाया, हम पहुंच गए। गलती ये हुई कि मैंने अपने आने की सूचना नहीं दी और उनके ड्राइंग रूम में जाके बैठ गया। अंदर पति पत्नी में खटपट चल रही, दोनों एक दूसरे से उलझ गए और दोनों के सुर इतने ऊंचे हो गए कि मुझे लगा कि इसके पहले इनके बीच में महाभारत घटे अपने आने की सूचना दो। तो मैंने खटपट करी, उनको पता लगा ये तो पंडित जी आ गए। तो दोनों ने लड़ना छोड़ा, दरवाजे का पर्दा हटाया, मुझे देखा और मुझे देख के दोनों एकदम मुस्कुरा दिए। मैंने कहा कमाल है, लड़ना खुद के लिए, मुस्कुराना दूसरे के लिए। और आदमी पूरी जिंदगी यही कर रहा है, दूसरों को देख के मुस्कुराता है, अपने को देख के नहीं मुस्कुराता। हम तो कई भाई साहब लोगों से पूछते हैं क्यों सुबह उठ के भाभी का मुंह देखा तो मुस्कुराए, नहीं इसको देख के कौन मुस्कुरा, माथे चढ़ जाएगी, लिफ्ट ले ले। अपनी घरवाली को देख के नहीं मुस्कुरा, और पड़ोस की भाभी जी से बात करेगा फिर देखना, बहुत मुस्कुरा के बात करते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा प्रेम की भाषा बोलिए, जितना मुस्कुराने का, जिस क्षण आप मुस्कुराते हैं परमात्मा मुड़ के आपकी ओर चलने लगता है, भगवान को हंसते हुए चेहरे बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मुस्कुराइए।
तो आज आप कम से कम यही हमारे दैनिक भास्कर के उत्सव से भेंट लेके जाइए, संकल्प लेके जाइए कि जैसी आज आप घर जाएं तो एंटर होते ही तो जो जिसके साथ आया उसको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अकेले आए हो और घर जाके मुस्कुराओगे तो सामने वाले की तबीयत बिगड़ना पक्का कि इनको क्या हो गया, इनका मगज गया। कोई मुस्कुराता है घर जाए तो कोशिश करिएगा, और आप मुस्कुराना सीखे, ये मुस्कान भी एक भाषा है, इसलिए हमारे परिवारों की भाषा मुस्कुराहट प्रेम होना चाहिए। सज्जनों देवियों बचाइएगा, अपने घर की सुख शांति प्रसन्नता को बचाइएगा। जब आप मुस्कुराते हैं आप मान के चलिए आप भगवान को अपने परिवार में लेके आ जाते हैं, इसलिए मुस्कुराइए। तरीका तो आपको ही ढूंढना है, ऐसा कहा है भाषा बचाइए तो परिवार बचे, ऐसा कहते हैं, विज्ञान कहता है जीभ पे लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है और जीभ से लगी चोट जिंदगी भर ठीक नहीं होती, इसलिए इसका बड़ा सही इस्तेमाल करिएगा। जब भी बोलें प्रेम से बोलिएगा, प्रेम की भाषा बोलिएगा, समझ की भाषा बोली। भगवान आपके परिवार में आने को तैयार है पर आप आमंत्रण ही नहीं देते तो भगवान कैसे करे, और भगवान के आमंत्रण का नाम है मुस्कान, तो हमारे परिवारों की भाषा मुस्कान होना चाहिए। भगवान तो तैयार बैठा है, हम ही झंझट पैदा कर रहे हैं। चलिए आगे तीसरे सूत्र में चलें, देखिए भगवान कैसी प्रतीक्षा कर रहा है। एक घटना मुझे याद आती है, एक हनुमान जी का भगत था, हम भी उसके जैसा भगवान के साथ करते, पक्का भगत था हनुमान जी का, और लॉटरी का टिकट खरीदने का शौकीन, और भगवान से बार बार यही कहे भगवान लॉटरी लगा दो। तो एक दिन मंगलवार को पहुंच गया हनुमान जी के मंदिर, भगत था आज का, उसने कहा हनुमान जी महाराज मैंने सुना भक्तों को सब देते हो तो मेरी लॉटरी लगा दो, अगले मंगलवार आऊंगा तब तक लगा देना देखना, और नहीं तो हमारा आपका ठीक नहीं होगा। चमका के आ गया, अब उसको लगा मैंने इतनी जोर से भगवान से बात की हनुमान जी महाराज से तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। अगला मंगलवार आया तो लॉटरी निकली तो नहीं लगी इसकी, तो भिन्नता हुआ गया, उसने कहा जब आपसे कहा था मैंने पिछले मंगलवार कि मेरी लॉटरी लगा देना तो नहीं लगाई, और आपको मैंने कहा मेरा मगज बहुत खराब है, चलो एक मौका और दूं अगले मंगलवार लगा देना नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। आ गया कि इस बार की धमकी काम आई, अगला मंगल फिर पहुंचा फिर लॉटरी नहीं निकली, फिर गया बोला बस हनुमान जी बहुत हो गई, अब दीवार दीवार पे लिख दूंगा आप बेकार आदमी हो किसी काम के नहीं, बदनाम कर दूंगा आपको, एक मौका और दे रहा हूं अगले मंगलवार लगा देना ना, क्या दिक्कत क्या है, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। चला अगला मंगलवार आया फिर पहुंचा नहीं निकली लॉटरी, इस बार तो भिन्नाता हुआ गया तोड़ दूंगा मूर्ति, बस चलो एक मौका और अगले मंगलवार फाइनल, नहीं तो नाम मिटा दूंगा, और धमकी देगा। अगला मंगलवार आया तो इसको लगा इतना चमकाया है तो अब तो निकलेगी, और अगले मंगलवार भी लॉटरी नहीं निकली, वो पहुंच गया कि क्या बात है समझ में नहीं आती, और नई धमकी देने की कोशिश कर रहा है कि हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा भैया तू पांच मंगलवार से मेरा माथा खा रहा है, डराता है, धमकी देता है, लॉटरी निकाल दो लॉटरी निकाल दो, अरे मूर्ख टिकट तो खरीद, वो बिना टिकट ही निपटाया जा रहा है हनुमान जी। और हम सब भी यही करते हैं जिंदगी में, परमात्मा को बुलाना चाहते हैं पर बुलाने का काम ही नहीं करते। परमात्मा की लॉटरी खुलने का नाम मुस्कान है, आप ये टिकट खरीदिए उसको आना ही पड़ता है, वो दौलत आपके घर में आएगी। इसलिए सुबह मुस्कुराइए शाम मुस्कुराइए, अपनों से मुस्कुराइए गैरों से मुस्कुराइए, और जब भी मौका मिले जरा मुस्कुराइए। हमने भूषा देखी भाषा देखी, आइए घरों में सज्जनों देवियों हमको भोजन बचाना पड़ेगा। भूषा और भाषा के बाद हमारे भारत के परिवारों का भोजन बचेगा तो परिवार बचेंगे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज हमारे भारत के परिवारों में भोजन नहीं बच रहा। आप केवल इसको भोजन ना समझिए कि अपने घर में अन्न लाए अच्छी क्वालिटी का लाए खा लिया, शाकाहार होना ही चाहिए। मैं शाकाहार की बात बार बार करता हूं, शाकाहार से मन शुद्ध होता है शांत होता है,
लेकिन मैं केवल उस शाकाहार की बात नहीं कर रहा कि आप सब्जी सलाद खरीद लाएं, ताजी भोजन ले आए, गलत तरीके से कमाए हुए धन से जो अन्न आपके घर आएगा वो मांसाहार से भी यदि खतरनाक है, मैं उस अन्न को बचाने की बात कर रहा हूं। आपके घर में जो अन्न आए, आपके घर में जो भोजन आए, जिस खाद्य पदार्थ से आपके बच्चों का रक्त मलमूत्र और मज्जा बन रहा हो, वो अन्न आप अपने परिश्रम निष्ठा ईमानदारी से कमाए हुआ रखिएगा। बेईमानी और अपराध से आया हुआ धन और उससे आया हुआ अन्न पीढ़ियों को बर्बाद करेगा, इसलिए भोजन बचाइएगा। हमारे परिवारों में आज दिक्कत ये है, कहां से आप धन ला रहे हैं और उससे अन्न ला रहे हैं, इसके प्रति सावधान। इसलिए अपनी आय के स्रोत शुद्ध रखिएगा। बेईमानी चारों तरफ बिखरी पड़ी है, इतने अवसर इतने लालच हैं आपको बिगड़ने के, क्योंकि आजकल तो आदमी तब तक ही ईमानदार है जब तक उसको बेईमानी करने का मौका ना मिले। मौका मिले तब आपकी परीक्षा होती है सज्जनों देवियों। जिसको देखो वो पैसे की थैली लिए दौड़ रहा है, आप किसको रोकेंगे? जिसको रोकेंगे वो आपको हाशिए पे पटक देगा या अपने पैरों के तले रौंद देगा। आदमी धन कमाने में बावला हो गया है, अच्छाई बुराई नीति नियम सिद्धांत सब छोड़ देता है। समय समय की बात है और समय समय का योग, लाखों में बिकने लगे दो कौड़ी के लोग, ये वक्त ऐसा आ गया है। इंसान धन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया, लेकिन वो धन अन्न से जुड़ा हो गए काम से। इसलिए भोजन बचाइएगा, अन्न आपके घर का शुद्ध हो। और अन्न कैसा हो, जो खतरा भारत के घरों पे एक और मंडराया है। मैं हमेशा कहता हूं भ्रष्टाचार मिटाने के आप कोई से भी तरीके आजमाइए, कानून बनाइए, आंदोलन करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि भ्रष्टाचारी आदमी जो धन अर्जित करता है उस धन का खर्चा या तो वो अपने भोग विलास पे खर्च करता है या यार दोस्तों पे खर्च करता है या उसका अंतिम लाभांश अपने परिवार में ले जाता है। जिस दिन परिवार के सदस्य खड़े होकर कह देंगे ये धन हमें नहीं चाहिए, उस दिन इस देश से भ्रष्टाचार मिट के रहेगा। कौन किसके लिए कमाता है, जहां जा रहा है वहीं से रोक लग जाए तो रुकना है इसको। ये काम माताएं बहने ही कर सकती। हमसे बार बार लोग कहते हैं आप क्यों पीछे पड़ते हो माताओं बहनों के, पर मैं कहता हूं भारत का परिवार आप ही बचा सकेंगी। जिस दिन हनुमान जी सुंदरकांड की घटना है, लंका पहुंचे, सब कुछ उठा पटक करी और फिर माँ से जब संदेश देने के बाद बात करी ना, तो सीता जी से हनुमान जी ने कहा सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा, लागि देखी सुंदर फल रूखा। तो सीता जी को भी कहना पड़ा कि तुझे मुझे ही देख के भूखा याद आई। तो हनुमान जी ने कहा क्या करूं माँ, बच्चे को माँ को देख के भूख याद आती और माँ ही तो बच्चे की भूख को समझ सकती है। जब से चला हूं जो मिला खाने वाला मिला, सुरसा कहती मैं खाऊं, लंकिनी कहती मैं खाऊं, सीका कहती मैं खाऊं, बड़ी मुश्किल से बचता बचता आया हूं, एक तू ही तो है जो खिला सकती है। और हनुमान जी ने एक संदेश दिया है, मां के हाथ के भोजन का स्वाद जिंदगी भर नहीं जाता सज्जनों देवियों। आज भी कई लोगों को याद होगा, आपकी उम्र 60-70 साल हो जाए, आपकी मां 90 साल की हो जाए, पर आज भी उस रोटी का उस भोजन का स्वाद है जो लोगों ने मां के हाथ से खाया है। हमारे देश के घरों में, हमारी संस्कृति के परिवारों में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र चौका हुआ करता था। और चौका इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होता था कि वहां से अन्न आता था, इसलिए महत्वपूर्ण होता कि चौके की जो प्रधान व्यक्ति होती थी, चौके का जो केंद्रीय तत्व होता था वो मां हुआ करती थी। मां फैसला करती थी अन्न ऐसे बनना है, मां के हाथ से निकला हुआ अन्न औलाद ने खाया तो मल मूत्र और मज्जा नहीं बनी, उसमें संस्कार, उसमें ममता, उसमें संवेदना बनी, तब भारत के परिवार बचे हैं। उस प्रेम ने उसको रोका है जो मां के अन्न से निकला है। इसलिए माताओं के हाथ के भोजन का महत्व अब भारत के परिवारों में खत्म होने लगा। अब चौके का केंद्र मां नहीं रही। और मैं ये कह रहा हूं ऐसा नहीं है, साइंस विज्ञान कहता है मां जब भोजन तैयार करती थी, आटा गूंथती थी, रसोई में रहती तो उसके हाथ से जो वाइब्रेशन निकलते थे वो वाइब्रेशन अन्न से होके आदमी के मन तक पहुंचते थे।
इसीलिए हमारे यहाँ कहा है, पुराने लोग कहा करते थे, आपका माथा चाहे जितना गर्म हो, चौके में कभी क्रोध मत करना, चौके में कभी चिड़चिड़ापन मत करना, चौके में कभी आवेश मत करना, क्योंकि आपकी आवेशित क्रिया से बनाया हुआ अन्न पूरे परिवार को आवेशित कर देगा। इसलिए चौके में बिल्कुल शांति से। अब आज चौके में जाके देखिए आप। अब मैं ये नहीं कहता कि माताएं बहने भोजन ही बनाए, अब थोड़ा मुश्किल है, आजकल तो सब काम के लिए कई तरह के लोग होते हैं घर में, कितनी तरह की तो बाइयां ही हो गई आजकल। हम तो घरों में ठहरते हैं ना, तो हमसे सब मिलवाते हैं, ये बड़ी बहू, ये छोटी बहू, ये भांजा बहू, ये भतीजा बहू, उसके बाद बाइयां आती हैं हमसे पैर पड़ने, तो ये काम वाली बाई, हमने कहा काम वाली, पर काम वाली में भी अलग अलग काम वाली आती है। तो रसोई में चार चार लगी किसी के घर, बोले ये सब्जी काटने वाली, ये लाने वाली, ये धोने वाली, ये आटा गूंदने वाली, ये रोटी बनाने वाली, इतनी तरह की तो भाइयाँ हो गई। मैं इसका विरोध नहीं करता, माताएं बहनों की व्यस्तता हो, स्वास्थ्य हो, नौकरी हो मत, पर एक निवेदन है मेरा, यदि आप अपनी रसोई में भोजन स्वयं न बना सकें तो कम से कम परोसगारी अपने हाथ से करिएगा। जिस दिन आपके हाथ से अन्न का स्पर्श भी हो गया, आपके परिवारों के सदस्य में आपका प्रभाव आएगा, आपके संस्कार आएंगे। और चलिए यदि आप इतना भी ना कर सकते हो कि परो सास और बहू के बीच था तो घर टूट गए, फिर सास बहू अकल आ गई, वो सारी बहू सास बन गई, तो अब सास बहू के पंगे नहीं होते, कोई एक्स्ट्रा पराक्रमी हो कर ले तो बात अलग है, पर सामान्य नहीं होता, आज ठीक ठाक ही चल रहा, क्योंकि सास बहू और इनको माँ बाप को भी समझ में आ गया, पहले तो दो चार पांच होते थे, इससे लड़ो, उसके घर घुस जाओ, उससे निपटो, वहां चले जाओ, अब ले दे कि एक दो होते हैं तो रिस्क कोई नहीं ले, तो अब घर में झंझट नहीं है। लेकिन तनाव का केंद्र 30 साल बाद शिफ्ट हो गया, और इस समय भारत के परिवारों में तनाव का केंद्र पति पत्नी के बीच चल रहा है। बुरा मत मानिए, पर भारत के घरों में अंडर करंट हस्बैंड वाइफ में गजब का टेंस है, कोई बोलता नहीं है, क्योंकि आदमी मुखौटा ओढ़ के जीने में माहिर है तो पता नहीं लगने देता, और दोनों एक दूसरे को बोझ मान रहे हैं, खूब तनाव है। लेकिन फिक्र मत करिए, ये भी नहीं चलेगा। विदेश में हस्बैंड वाइफ के बीच टेंशन लंबा नहीं चलता, संडे को मैरिज होती है, मंडे को पंगा हो जाता, ट्यूसडे को अपने अपने रास्ते, वेडनेसडे कोर्ट से फैसला हो गया और अगले थर्सडे नहीं ढूंढ के फ्राइडे मैरिज ही हो जाती, नहीं वहां नहीं होल्ड करते। ये तो सिर्फ भारत में हो रहा है सज्जनों से, लेकिन अब भारत में भी नहीं चलेगा ज्यादा। परिवार बचाने निकले हैं, इस बात को ध्यान से रख लीजिएगा कि अब भारत के परिवारों में स्त्री आर्थिक रूप से न तो उतनी परतंत्र है और न ही उतनी दबी हुई है। अब वो भी पढ़ी लिखी, वो भी सक्षम है। आजकल तो हम अपने बेटे को जैसा पढ़ाते हैं बेटियों को वैसा ही पढ़ाते हैं, तो पढ़ी लिखी बच्ची क्यों झुकेगी? पति पत्नी के रूप में अब वो भेद नहीं रहा, पहले पुरुष ने खूब साल दादागिरी कर ली, अब नहीं चलेगी। लेकिन दुर्भाग्य ये कहता है कि आज जो पुरुष पढ़ी लिखी, आज का युवक पढ़ी लिखी पत्नी लाता है, बल्कि उससे ज्यादा पढ़ी लिखी बच्चियां लाता, तो पढ़ी लिखी पत्नी है पर दृश्य अपने पिता वाला देखता है कि पिताजी सुबह उठते तो माता जी चाय लाती थी। अब ये फैंटेसी कोई चल रही है? भारत में पुरुष इतना पराक्रमी रहा है कि डाइनिंग टेबल पे दूर गिलास पड़ा है तो वो भी घरवाली से बोलता है देना जरा, खुद नहीं उठा। ये भारत में ही है, आप विदेश चले जाओ, ये जितने भारत में पुरुष यहां गरजते हैं ना किचन में, ये वहां भांडे धो रहे हैं विदेश में, देख ना, तो मानना पड़ता है भैया, ये सब यही चल रही रंगदारी। लेकिन बहुत दिनों यहां भी नहीं चलने वाली, जितनी बच्ची पढ़ी उतना बच्चा पढ़ा तो क्यों बर्दाश्त करें। आइए आपको इस सत्य घटना से गुजारता हूं, जीवन का सत्य आपके साथ भी गुजर रहा है, इसको सावधानी से समझने की कोशिश करना। हम पिछले दिनों लंदन गए, एक दंपत्ति से मेरा परिचय हुआ, दोनों की उम्र कोई 27-28 साल का लड़का होगा और हम उम्र लड़की थी वो, और दोनों बहुत बड़े किसी कंपनी में काम करते थे। एक दिन हमसे उनकी बातचीत हुई, उन्होंने हमको घुमाया, फिर उन्होंने कहा हम भारत जाना चाहते हैं, यहाँ का जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया, लाइफ नहीं रही। तो मैंने कहा आजकल तो भारत में भी यही समस्या, बोला नहीं भारत में सेट हो जाएगा। आ गए,
और एक महानगर में दोनों रहने लगे, हमारा परिचय था तो मैं महानगर गया। मैंने कहा देखो अपन लंदन में मिले, बड़े परेशान थे, चलो भारत में इनसे मिले, वो अपने घर ले गए दोनों। मैं आपको सच बात सुना रहा हूँ ये। और उन दोनों ने मुझसे कहा पंडित जी एक दिन हमारे यहाँ स्टे करिए। तो मैंने कहा आप छुट्टी ना लीजिए, हम दिन में कुछ काम कर लेंगे, आप अपना काम पे चले जाइए। उन्होंने कहा हम 8 बजे सुबह निकलते हैं और शाम को 7-8 बजे आप आते हैं। ट्रांजिट पीरियड ही 2-2.5 घंटे का है, बाकी समय काम करना पड़ता है। तो आपके लिए थोड़ी व्यवस्था कर दी है, फ्रिज में खाना पीने का सामान रखा है, आप दिन में जरूरत पड़े निकाल लेना, डिनर साथ में लेंगे। मैंने कहा ठीक है, वो चले गए, मैं अपना कुछ करता रहा, दिन भर गुजर गया। रात को 8 बजे वो आए, दरवाजा खटखटाया और आती उस लड़की ने मुझसे पूछा पंडित जी कोई आया तो नहीं था? मैंने कहा आप दोनों ही आए उस सुबह से, अभी तो कोई नहीं आया। मैंने कहा कौन आने वाला था? उन्होंने कहा देखिए जी जब हम लेट हो जाते हैं तो हमने तो डिनर के लिए डिनर पैक का आदमी रखा हुआ है, वहां से डिनर आ जाता है, हम डिनर करते हैं। तो डिनर पैक वाला रख के नहीं गया? मैंने कहा नहीं रख गया। बोले जिस किसी दिन नहीं रखता है तो हम बाहर खा लेते हैं। तो अपन बाहर चले, हमने कहा चलिए बाहर चलते हैं। बाहर खाना खाने के बाद जब हम लौटे तो वो दोनों ने कहा कि हमें आपके साथ बैठना है, इसीलिए तो आपका स्टे था यहाँ। और रात को जब दोनों ने बातचीत की, उन दोनों से मैं परिचित था और उनकी स्थिति से भी, कम से कम वो दोनों 8-10 लाख रुपया, 10 से 15 लाख रुपए प्रति माह उन दोनों की तनख्वाह थी। आजकल बच्चों की तनख्वाह इतनी होती जितना माँ बाप जिंदगी भर कमा के पीएफ घर लाता है, वो 1 महीने में लाते हैं आजकल। वो कोई 10 से 15 लाख कमाते थे। और दोनों ने मुझसे एक सवाल पूछा पंडित जी हम दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती, इतना टेंस है। और ये बात बिल्कुल ठीक है ना भाई, पहले तो बड़े परिवार होते थे, जॉइंट फैमिली थी तो टेंशन रिलीज हो जाता था, देवरानी जेठानी सास बहू आपस में समझाने वाला भी मिल जाता था, बड़ा बूढ़ा बड़े बूढ़ों की निगाहें पकड़ लेती थी कि ये तनाव चल रहा है तो वो उसको धीरे से रिपेयर करते, कौन करे, छोटे से तो परिवार हो गया। आजकल जॉइंट फैमिली के अर्थ बदल गए ना, हमको कोई बता रहा था कि एक हस्बैंड वाइफ हमको मिले, बोले हमारी जॉइंट फैमिली। तो मैंने कहा अच्छा कितने मेंबर है, बोले हम दोनों। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आजकल दोनों ही ज्वाइंट रहो तो यही ज्वाइंट फैमिली, पर कमबख्त दोनों भी ज्वाइंट नहीं रह पा रहे। तो वो दोनों मुझसे पूछने लगे कि हमारी बनती नहीं, क्या करें। अब समझाने के लिए तो अनेक बातें थी, वहीं दोनों में ये ऐसा करते हैं। तब उस बच्ची ने कहा कि ये सुबह उठ के मुझसे उम्मीद करते हैं मैं चाय बनाऊं, ये कहते हैं लंच बॉक्स में तैयार करूं, और मैं कहां से तैयार करूं, मैं हॉस्टल में पड़ी, मुझे बनाना नहीं आता, और मैं उतना ही लेबर करती हूं जितना ये करते हैं, मुझे भी उसी टाइम निकलना है, मुझे भी ऑफिस में उतने काम है, शाम को ये बोलते हैं कहां से करूं। बात तो बच्ची की गलत नहीं थी, बस यहीं से तनाव है दोनों में। तब मैंने उससे कहा कि मुझे नहीं मालूम कि आप कितने समय नौकरी करेंगे और आप क्यों पढ़ी क्यों करें, लेकिन मैंने कहा मैं समझा भी नहीं रहा हूं, पर मैं एक बात बता रहा हूं कि आप दोनों मिलके 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं और अपने चौके का भोजन तक नहीं कर पाते हैं। तब मैंने उससे कहा बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे हाथ का भोजन इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि वो आदमी है और तुम औरत, तुम नौकरानी हो मालिक के, ये कभी मत सोचना। चौका तो तेरे ही हाथ से चलना है बेटा, जैसे भी चलाना हो, जिस दिन तू अपने हाथ से प्रेम पूर्ण खुश होकर अन्न बनाएगी और उस अन्न को तेरे घर में जिसने भी खा लिया तेरे आगे पीछे गुलाम बन के घूमेगा, क्योंकि तेरे हाथ में वो ताकत है कि तू केवल रसोई से कब्जा कर लेगी। इस देश में मां ने जीता है परिवार को, तो रसोई से आप जो करना, कितना ही सघन कमाना, कितनी व्यस्त रहना, पर चौका हाथ से मत छोड़ देना, क्योंकि वंश तो चलाना है। तब उस बच्ची को समझ में आया रोटी बनाना औरत के लिए नौकरानी का काम नहीं है, अन्न आपके हाथ से निकलेगा, पुरुष के हाथ से वो वाइब्रेशन ही निकलते हैं जो अन्न अंदर जाके भावना पैदा, वो केवल स्त्री को दिया है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर गर्भाशय है, उसके पास शक्ति है मां बनने की, उसके पास अनुभूति है, इसलिए अन्न का स्पर्श तो माता को देना ही पड़ेगा। आप लाख कमाएं कि 15 लाख कमाएं, और नहीं तो घर अशांत है।
आप भोजन बाहर से रोज लाते हैं और आपस में शांति की उम्मीद करें तो कैसे संभव है? इसलिए भोजन बनाते समय अपना मगज बिल्कुल नॉर्मल रखिएगा। अब आजकल भोजन बनाते समय सबसे ज्यादा टेंशन होता है, फिर वही अन्न ट्रांसफर हो जाता है, फिर आप कैसे उम्मीद करेंगे? बात सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं सज्जनों देवियों, अन्न बचाइएगा। अन्न बचेगा, अतृप्ति का बोध समाप्त होगा, अशांति समाप्त होगी, क्योंकि पति और पत्नी के बीच अशांति का एक बड़ा कारण ये भी है। आप जानते हैं, हमसे कई लोग पूछते हैं हस्बैंड वाइफ का टेंशन कैसे दूर हो। आइए आपको एक सूत्र की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये इस समय दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। कभी इस बात को जानने की कोशिश करना। हमारे यहां भगवान शंकर का एक रूप बताया गया है, अर्ध नारीश्वर रूप, और किसी भगवान का नहीं है। आप शिव पुराण में इसका विस्तार से वर्णन भी सीखें। जरा बात को ध्यान से सुनिएगा, गंभीर बात है। भगवान के अर्ध नारीश्वर स्वरूप के होने का अर्थ क्या है? शिव जी ने अर्ध नारीश्वर स्वरूप धर के हमको ये बताया है कि हर पुरुष में बाहर से तो आदमी पूरा होता है, लेकिन भीतर से आधी औरत और आधा आदमी होता है। और ऐसे ही हर स्त्री बाहर से पूरी औरत होती है, लेकिन भीतर से आधा आदमी आधी औरत उसके भीतर भी रहती है। अब ये दोनों पति पत्नी के रूप में मिलते हैं, तो सारे रिश्ते, सारे संबंध, सारे उलझाव और सारे सुलझाने के तरीके बाहरी बाहर चलते हैं। बाहर से आदमी पूरा आदमी, बाहर से औरत पूरी औरत, तो दोनों की झंझट, दोनों का प्रेम, दोनों का समझौता, दोनों के विवाद बाहर से चलते हैं। वो भूल ही जाते हैं कि भीतर मामला आधा आधा है, और चूंकि बाहर से निपटाए जाते हैं इसलिए कभी नहीं निपटते। इस बात को अच्छी तरह से याद रखिएगा, जिस दिन औरत के भीतर का आधा आदमी असंतुष्ट है, उस दिन बाहर की पूरी औरत आवेश में होगी, आक्रोश में होगी, परेशान होगी। जिस दिन आदमी के भीतर की आधी औरत अतृप्त है, असंतुष्ट है, उस दिन आदमी के बाहर का पूरा आदमी आवेश में होगा, आक्रोश में होगा। ये सिद्धांत है, और इसीलिए जब दोनों मिलते हैं तो झंझट चालू हो जाती है और सुलझाट ऊपर से की जाती है। जबकि विचार करिए, पति पत्नी में मतभेद हो तो दो यूनिट की प्रॉब्लम नहीं है। ये हम समझते हैं आदमी बाहर से औरत और ये दो यूनिट, जी नहीं। जब झंझट हो तो भीतर की चार यूनिट को टटोलिएगा। दो यूनिट आदमी के भीतर की, आधी आदमी आधी औरत, औरत के भीतर आधा आदमी आधी औरत, दो दो चार, और बाहर की पूरी दो छह। जब छह यूनिट का निपटारा किया जाएगा तब जाके पति और पत्नी के संबंध मधुर होंगे, स्थायी होंगे, प्रेमपूर्ण होंगे। पर आदमी जानने की कोशिश ही नहीं करता। जब कभी पति को पत्नी से मतभेद होता है तो पहला आरोप ये लगाता है, आजकल ये कैसी बात करती है, आजकल इसका व्यवहार कैसा हो गया, चाहे जो बोल देती है, हमारे विपरीत जा रही है, मेरी सलाह नहीं मानती, यही आम शिकायत है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि शिकायत में बाहर की पूरी औरत से कर रहा हूं, पर जरा अंदर जाके देखना इसके भीतर का आधा आदमी असंतुष्ट है। जो अपनी पत्नी के भीतर का आधा आदमी संतुष्ट कर देगा, जो स्त्री पत्नी के रूप में अपने पति के भीतर की आधी औरत को संतुष्ट कर देगी, वो पाएगी कि बाहर का पूरा आदमी संतुष्ट है, बाहर की पूरी औरत संतुष्ट है, और यहीं से रिश्ते सामान्य होंगे। बात गंभीर है लेकिन विचार करना पड़ेगा, इसके बिना ये रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि बाहरी बाहर चल रहा है सारा मामला। हमारी संस्कृति ने अर्ध नारीश्वर का स्वरूप दिया है, जो पति अपने भीतर की, अपने पत्नी के भीतर के आधे पुरुष पे ध्यान दे देगा, उसको संतुष्ट कर देगा, उसके मनोविज्ञान को समझ जाएगा। जो ये समझ जाएगा कि इसके भीतर का आधा पुरुष अंगड़ाई ले रहा है, इसलिए ये ऐसा व्यवहार कर रही है जो मुझे ना पसंद है, आप उस पे हाथ रखिए। जिस दिन औरत अपने पति के भीतर की आधी औरत की अपेक्षाओं को समझ जाएगी, ये चाहता है, ये इस विनम्रता की तलाश में है, ये इस प्रेम, इस सहजता को देखता है, आपने उसको संतुष्ट किया, बाहर का पूरा संतुष्ट पुरुष हो जाएगा, स्त्री हो जाएगी। छह यूनिट पे काम करिए और जिंदगी बीत जाती है दो यूनिट पर काम करते करते। अर्ध नारीश्वर का स्वरूप हमको ये समझा रहा है कि यदि दाम्पत्य को सामान्य रखना है तो हमको अन्न बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये भीतर जाके समझ में आएगा, और अन्न का प्रभाव मन पे होता है। सज्जनों देवियों, आइए चौथी बात, भजन बचाइएगा। भूषा
भाषा, भोजन और भजन। भजन बचाने का अर्थ आप बिल्कुल ये न समझ लीजिए कि तिलक लगा लिया, मंदिर चले गए, घंटों पूजा कर ली और घर में भजन हो गया। ये तो घरों में बहुत हो रहा है। जिस दिन पूजा में भाव जुड़ जाता है, हरिओम, जिस दिन कर्म कांड में भाव जुड़ता है उस दिन वो पूजा हो जाती है। जिस दिन पूजा में समर्पण आता है उस दिन वो भक्ति हो जाती है। और भक्ति का जल बह जाता है यदि उस पर ध्यान मेडिटेशन का बांध नहीं बनाया। इसलिए केवल पूजा से घरों में शांति नहीं आएगी। मैं उस भजन की बात नहीं कर रहा हूं जो अभी हम कर रहे हैं। अभी तो हम लोग खूब पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, कथाएं सुनते हैं, बुरा मत मानिएगा, इतनी कथाएं प्रवचन भारत में होती है। लोग कहते हैं नई पीढ़ी के बच्चे कथा प्रवचन में नहीं आते। माफ करिए, लेकिन सच तो यह है कि नई पीढ़ी के बच्चों से जरा उनके कलेजे पे हाथ रख के पूछिए तो वो आपको बताएंगे, हमने अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को कथाएं सुनते देखा, तीर्थ यात्रा करते देखा, साधु संतों की सेवा करते देखा, मंदिर जाते देखा, और जब घर आए तो आपस में लड़ते देखा, सास बहू को, पति पत्नी को। अगर कथाओं से, भगवान से, साधु संतों से यही होता है तो कोई मतलब नहीं जाने का, और ये बच्चे बिखर जाते हैं। बदलाव हमारे भीतर नहीं आता है, रूपांतरण हम अपना नहीं करना चाहते, और आरोप पड़ता है जाके सत्संग पे, कथाओं पे, साधु संतों पे। तो केवल उससे तो नहीं होगा सज्जनों, देवियों। आज जो हम पूजा कर रहे हैं, आप देखिए घरों में लोग एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे ठाकुर जी निलाते हैं, भोग लगाते हैं, भगवान को वस्त्र पहनाते हैं, बढ़िया पूजा की, और जैसे ही मुड़े और जो घर का पहला सदस्य मिला उसी से भिड़ गए और चार्ज हो गए लड़ने के लिए। आप देख लीजिए पूजा ऐसी कर रहे हैं घरों में। सासू जी जब पूजा करती तब देखना आप घर में, बर्तन गिरे तो इनको तत्काल पता लग जाता है कि मेरा ही वाला गिलास गिर गया, अभी उठ के निपटाऊंगा। सासू जी पूजा कर रही है और अलमारी का पल्ला खुला तो तत्काल पता लग गया, और अलमारी खुल गई अभी देखती हूं। आपको पूजा करते समय भी ये सब ध्यान है तो किस बात की पूजा हो रही जी? नहीं, ये तो कर्म कांड है। ये तो आप मोटरसाइकिल चलाओ, कार चलाओ, रोटी बनाओ और पूजा कर लो, ये तो आदत है। इससे तो जीवन नहीं बदलता। इसीलिए तो 80-80 साल, 60-60, 70-70 साल पूजा करने के बाद हमें कई लोग, वृद्ध लोग मिलते हैं और कहते हैं मन शांत नहीं होता। भैया मन इससे तो शांत नहीं होता, थोड़ी देर मेडिटेशन करना पड़ेगा। जिस भजन की बात कर रहा हूं मैं, अपने परिवारों में सामूहिक रूप से पति पत्नी, माता पिता और बच्चे 10 से 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करिए। अभी मेरे पास कोई 10 से 15 आई, ये भी खूब चली, आजकल इसका भी महत्व समाप्त हो गया। इस बीमारी का नाम था हेडेक, सिर दुखना। ओहो खूब चली, जिसको देखो उसी का दुख रहा। कईयों का तो इतना दुखा कि जिस किसी दिन नहीं दुखा उसी दिन पता लगा कि ऊपर माथा है, एक्स्ट्रा है। वो तो समझते हैं ये परमानेंट ही है, ऐसा ही आया ऊपर से, इतना हेडेक हुआ लोगों। अब इसका भी इंपॉर्टेंस खत्म। अभी आप लोगों में से किसी को याद होगा, हमको तो याद है क्योंकि हम तो कई घरों में ठहरते रहते हैं ना, तो पति पत्नी की नई नई शादी हो ना तो उनका कमरा देखना आप कुछ दिन तक, कितना बढ़िया सजाते हैं, बढ़िया बढ़िया ग्रीटिंग लगे रहते हैं। शुरू शुरू वो काम पे जाएगा तो बेस्ट ऑफ लक, ये पहली रसोई बनाएगी तो ऑल द बेस्ट, व्हाट ए प्रिपरेशन, बढ़िया ग्रीटिंग, बढ़िया कैलेंडर, बढ़िया पर्दे, बढ़िया गुलदस्ते, इतना बढ़िया कमरा सजा रहता शुरू में। एक साल बाद आप उस कमरे में जाओ, एक साल बाद जैसे उस कमरे में गए तो घुसते ही अलमारी में बाम की शीशी मिलेगी, चंदन की तरह लपेट रहे। कोई मुन्नी बदनाम हो रही ना, कोई हो रहा है, वो तो अपन ही माथा बदनाम है। इतना बाम लपेटा लोगों ने, इतना बाम। क्यों हेडेक हो गया? बोले फैमिली हेडेक, हेडेक दिखने लगी। ये भी बीमारी खूब चली, ये भी खत्म, आजकल कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 10 साल बाद एक नई बीमारी आई जिसको कहते मूड खराब होगा, ये भी खूब चली। सुबह से ही उखड़ लेता, कईयों का तो करवट से ही शुरू हो जाता, 1000-2000 में ठीक ठाक मिलेंगे। इसका भी इंपॉर्टेंस खत्म। फिर एक बीमारी और आई 5 साल बाद, ये भी खूब चली, डायबिटीज। पहले बड़े लोगों को होती थी, इसका नाम था राजरोग,
अब हर पांचवे को आदमी को हो गई डायबिटीज, तो डर के मारे छठे ने शक्कर छोड़ दी, अब इसका भी इंपॉर्टेंस नहीं रहा। लेकिन अभी 5-7 साल में एक बीमारी बड़ी फैशनेबल चली, घर घर में, गांव गांव में घुस गई, और ऐसी चली है कि लोग इसकी चर्चा बड़े आपस में करते हैं, खुद बोलते हैं, आदमी हो या औरत, ऐसी बातें करेंगे इस बीमारी की कि अभी 2-3 दिन पहले ही मैं डिप्रेशन में चला गया था या चली गई थी, अभी निकली हूं। अच्छा, खुद ही चले जाते हैं और खुद ही निकल आते, ऐसी बीमारी। अच्छा, भगवान न करे कभी किसी को डिप्रेशन की बीमारी लगे, भगवान न करे, पर किसी के घर में किसी को लग जाए तो उसको देखो, पूछो, आप जिसको डिप्रेशन चिपकता ना, उससे पूछो, भाई तुम्हारी क्या समस्या, समझ नहीं आता, क्या चाहते हो, जीना नहीं चाहते, मर जाओ, मरेंगे भी नहीं, जीवन बेकार लग रहा, समझ में आना बंद हो गया, क्या हुआ, डिप्रेशन। अब किसी घर में, भगवान न करे, पर किसी घरवाली को डिप्रेशन हो जाता ना, पत्नी को हो जाए तो पति पूछता है, लाओ मैं कुछ करूं, दूर हटो, तुम्हारे ही कारण है, तू ही दर्द और तू ही दवा, ये बीमारी ऐसी, इसका कोई इलाज नहीं है, आप कितना ही कर लो सज्जनों से, एक इलाज। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, जो हनुमान चालीसा पढ़ता हो उसके जीवन में डिप्रेशन कैसे आ सकता है, या तो गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी तो फेल नहीं हो सकते, वो तो आजमाया हुआ आइटम है, 100% है। अब कुछ ना कुछ गड़बड़ हमारी शैली में है, बात वहीं से कर रहा हूं कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग उदास नहीं हो सकते, संभव ही नहीं, लेकिन हनुमान चालीसा को सज्जनों देवियों सांस के साथ पढ़िएगा, कमर सीधी रख के आंखें बंद करके एक सांस भीतर लेंगे, जब दूसरी सांस बाहर निकालें, बाहर चौपाई ले जाए, 3 से 5 मिनट में आप दुनिया के सर्वाधिक शांत व्यक्ति होंगे। इतने अच्छे से आप सुन रहे हैं, आपने मेरे शब्दों को आग्रहपूर्ण पूरे सम्मान से ग्रहण किया, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो भी शेष समय हमारे पास है, आइए एक ऐसे दौर से गुजरते हैं जो नसीब वालों को मिलता है, मेरे साथ चलिएगा, आपने मेरे साथ शब्द यात्रा की, मेरे साथ अनुभूति की यात्रा की तैयारी करिए। मैं आपका अधिक समय नहीं ले रहा हूं, पर जिस बात के लिए आयोजन हो रहा है, हमारे परिवारों में जिस घटना से शांति उतरेगी, हमारे दाम्पत्य जिस कारण से वैकुंठ बनेगा, और जो हम चाहते हैं, जो सुख अपने परिवार से लेना चाहते हैं, वो सुख तभी मिलेगा जब हम ठीक तरीके से खुश रहना सीखेंगे। तो आइए थोड़ी सी देर मेरे साथ एक क्रिया से गुजरे, कमर सीधी कर लीजिए, आंखें बंद कर लें, होठ बंद रखिएगा, आंखें बंद हैं, होठ बंद, कमर सीधी, थोड़ी देर के लिए महसूस करिए इस सभागार में आप बिल्कुल अकेले हैं। जिन्हें हनुमान चालीसा याद है वो मेरी वाणी के साथ एक एक चौपाई को भीतर लाएंगे, बाहर ले जाएंगे। देखिए, हम विचार सांस से खाते हैं, मन का भोजन विचार है, थॉटलेस ब्रीदिंग लीजिए, मन निष्क्रिय होगा, मन निष्क्रिय हुआ आप शांत हुए, इसलिए अब हम एक भी सांस बिना चौपाई के भीतर नहीं लाएंगे, बाहर नहीं ले जाएंगे। आज तो मैं बोल रहा हूं, हमने इतनी रटी कि हम भूल ही गए कि एक चौपाई पूरी कब होती है। जय हनुमान ज्ञानगुण सागर, जय कपिश्ती हूं लोक उजागर, सागर और उजागर शब्द मिला तो एक चौपाई हुई। तुलसीदास जी ने हमारी सुविधा के लिए चौपाई का मध्य और अंतिम शब्द एक जैसा लिखा है, कोई सी भी चौपाई, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, रखवारे दुलारे। तो आपकी आंखें बंद हैं, कमर सीधी, होठ बंद, बिल्कुल भी आंख न खोलें, महसूस करें इस समय इस सभागार में आप बिल्कुल अकेले हैं, ना आपके कोई आगे, न पीछे, न दाएं, न बाएं, ना आप स्त्री हैं, न पुरुष, न बाप, न बेटा, न पति, न पत्नी, न शत्रु, न मित्र, आप सिर्फ परमात्मा का अंश हैं। अपनी चेतना को सांस से जोड़ना है। मैं शुरू में जो दो दोहे बोलूंगा, दोहे बड़े हैं, इसलिए आधे दोहे में सांस भीतर आएगी, आधे में बाहर। मैं भीतर और बाहर शब्द बोलूंगा,
आप में से कोई भी आंख न खोले, होठ न खोले, मानसिक जप करते हुए सांस से नाभि तक चौपाई को लाएंगे और नाभि से बाहर ले जाएंगे। आंखें बंद हैं, कमर सीधी, होठ बंद, मेरे साथ शब्दों की यात्रा आरंभ करिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बाहर बरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, भीतर बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरु पवन कुमार, बाहर बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरेहु कलेश विकार, भीतर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर, बाहर राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुंत निवार सुमत के संगी, कंचन वरण वराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र ध्वजा वराजे कांधे मोज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर बे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावे, बाहर भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के कांस संवारे, भीतर लाए संजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्ष लाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरसम भाई, सहस बदन तुम रो इस गावे असके श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहस ईशा, यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव वहीं की ना राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भाई सब जग जाना, बाहर जुग सहस्त्र योजन पर भानो लीले उताही मधुर पल जानो, भीतर प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल्द ही लागी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना, आपन देश समारोह आपे तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, ना से ही रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, भीतर सब पर राम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम साजा, बाहर और मनोरथ जो कोई लाए सोई हमें जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, बाहर साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन नाम दुलारे, भीतर अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता स्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चित्तन धरई हनुमत सही सर्व सुखई, संकट कटे मटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, बाहर जो सत बार पाठ कर जो छूटे बंदी महासुख हुई, भीतर जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि सा की गौरी सा, बाहर तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ रमण डेरा, भीतर पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, बाहर राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरूप, आंखें बंद रखिएगा होठ बंद कमर सीधी, इस अभ्यास को प्रतिदिन करिए। मैं हनुमान भक्त हूँ इसलिए हनुमान और हनुमान चालीसा की पैरवी नहीं कर रहा, ये ध्यान सांस का मामला है, ध्यान का संबंध सांस से और हनुमान जी सांस वायु के देवता है, जब आप अपनी सांस को चौपाई से जोड़ के भीतर और बाहर ले जाते हो तब आप हनुमत तत्व को अपने भीतर प्रवेश करा रहे हैं, और रोम रोम हनुमत तत्व से भरने के बाद मन खाली होता है और यहीं से जीवन में शांति आत्मविश्वास दूरदर्शिता आती है। जब कभी भी आपको ऐसा लगे प्रातः काल दोपहर को सायंकाल सोने के पहले, जिन घरों में 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हनुमान चालीसा की चौपाई के साथ ठीक नींद आने के पहले तक जोड़े रखिएगा, यदि बड़े भी नींद आने के ठीक पहले चौपाई से गुजरेंगे, एक एक सांस हनुमान चालीसा की चौपाई से जुड़ के मल्टीपल होकर आपके व्यक्तित्व को बदल देगी, बहुत सुंदर। आइए धीरे धीरे पलकों को खोलिएगा, जल्दी ना करें, बिल्कुल धीरे धीरे, पलक जितनी धीरे धीरे खोलेंगे शांति उतनी गहन होगी, और आइए वापस समापन की ओर चलते हैं। सज्जनों देवियों, यही हमारे घर का भजन है, आप जो पूजा करें पर मेडिटेशन जरूर करिएगा, सांस से जोड़िए, आपकी अनुभूति दिव्य होगी, आप अपने आप को शांत पाएंगे। तो चलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे परिवार में भाषा भूषा भोजन और भजन तब बचेगा
जब हम अपने परिवार की जड़ों से जुड़े रहेंगे। एक बहुत छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। धैर्य और शांति से रुकिए, मुझे 2 घंटे बोलना है। 7:20 पे मैंने बोलना शुरू किया और 9:20 पे मैं आपको मुक्त कर दूंगा, न इससे कम न इससे ज्यादा। 5-7 का धैर्य और रखिए। आइए एक छोटी सी कहानी से गुजरे। एक पेड़ था, रविंद्रनाथ टैगोर की टीका था, बड़ा पेड़ था, इतना विशाल था कि उस पर कोई चढ़ नहीं सकता। उस पेड़ की डालियों के नीचे एक बच्चा खेला करता था। बच्चा पेड़ पे नहीं जाता, इसलिए पेड़ ने अपनी डालियां झुकाई। बच्चा डालियों पे चढ़ गया और पेड़ पे खेला करता। कुछ समय बाद वो बच्चा लौट के नहीं आया। उस पेड़ को उस बच्चे की बहुत याद आती, पेड़ रोता था। दूसरे लोगों ने समझाया, तू क्यों रोता है, वो बच्चा अब लौट के नहीं आएगा। पेड़ ने कहा, मुझे उसकी बहुत याद आती, उसके बिना मन नहीं लगता, अकेलापन घेरता है। वो नहीं माना, उदास हो गया। कुछ समय बीता, एक दिन वो बच्चा वापस आया, जवान हो गया था। पेड़ ने उस बच्चे से पूछा, तुम जवान हो गए, बड़े हो गए, तुम लौट के नहीं आए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तब उस लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया, क्या करूंगा तुम्हारे पास आके, बच्चा था तो खेलता था तुम्हारे ऊपर, अब मुझे रोजी रोटी की चिंता है। प्रतीकात्मक कथा है ये। पेड़ ने कहा, इतनी सी बात, तो लो मेरे फल, मेरे फूल, मेरे पत्ते, मेरी डाली ले जाओ, इन्हें भेज दो, तुम्हारी रोजी रोटी चल जाएगी। उसने वो सब काटा, लेके चला गया, लौट के नहीं आया। पेड़ को फिर याद आती, पेड़ फिर रोता। सबने समझाया, वो नहीं आएगा। पेड़ उसका रास्ता देखता था, उसके बिना मन नहीं लगता, मुझे उसकी बहुत याद आती। एक दिन वो आया, थोड़ा प्रौढ़ हो गया। पेड़ ने पूछा, तुम आते नहीं, बोले क्या करूं, प्रौढ़ता ने घेर लिया है, क्या करूंगा तुम्हारे पास आके, अब मुझे 1 अदद मकान बनाने की चिंता है। पेड़ ने कहा, इतनी सी बात, मेरी लकड़ियां ले जाओ, इन लकड़ियों से मकान बना लो, तुम्हारे मकान के काम आ जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। उसने लकड़ियां काटी, वो चला गया, वो फिर लौट के नहीं आया। पेड़ फिर रोता था, उसको याद करता था, लोग समझाते थे। कुछ समय बाद वो फिर लौटा। पेड़ ने पूछा, तुम आए नहीं भाई, तब उसने कहा, क्या करूंगा, मेरी बेटी जवान हो गई, उसके रिश्ते के लिए मुझे गांव से नदी पार जाना है और मेरे पास नाव नहीं है, नाव होती तो बेटी का रिश्ता कर लेता। पेड़ ने कहा, इतनी सी बात है, तुम मेरा तना ले जाओ, इसको काट लो, इसकी नाव बना लो, तुम्हारी बेटी के विवाह के काम आ जाऊं, मुझे अच्छा लगेगा। उसने तना काटा, चला गया, फिर लौट के नहीं आया। वो ठूंठ सा पेड़, आंसू बहाते उसको याद करता, लोग समझाते, वो नहीं आएगा। पेड़ कहता, उसकी बहुत याद आती है, उसके बिना रहा नहीं जाता, वो नहीं आया। कुछ समय बाद एक दिन वो आया तो बूढ़ा हो गया। पेड़ ने पूछा कि तुम बहुत दिनों से नहीं आए, बोले क्या करूंगा, अब तो बूढ़ा हो गया हूं और इतना बूढ़ा हो गया हूं, मेरे बच्चे मुझसे बहुत दूर चले गए, अब तो चिंता इस बात की है कि जिस दिन मरूंगा मेरी चिता पे 2 लकड़ी रखने भी कोई मेरा अपना आएगा कि नहीं आ पाएगा। पेड़ ने कहा, ऐसी बात